राशि कार्य क्षेत्र में आज आपको प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में अवरोध आ सकता है। आपके विचार और आपकी योजनाओं से सहकर्मचारी और ऊपरी अधिकारी सहमत ना हो ऐसा संभव है। जिनके मध्य भाग के बाद परिस्थितियां बदलने लगेगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपस में सहमति बनेगी। दिन पूरा होने तक आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए ज्यादातर फैसले आज सही साबित होंगे। शेयर मार्केट में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है। आज निवेश करने से आपको धन लाभ हो ऐसी संभावना है। जिम्मेदारी के साथ सूझबूझ के साथ निवेश करें। आवश्यकता से ज्यादा आर्थिक जोखिम न उठाएं। स्वास्थ्य के मामले में कुछ हद तक समस्या या परेशानी आ सकती है। आरोग्य से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या आज ज्यादा गंभीर बन सकती है। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपका मनमुटाव हो सकता है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होगा। सकारात्मक विचारधारा अपनाएं। खान पान की अपनी आदतें बदलें। अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास और व्यायाम को शामिल कर लें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। विद्यार्थियों के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग आज दिन के ज्यादा से ज्यादा समय शिक्षा और अभ्यास से जुड़े हुए कार्य में व्यस्त रहेंगे। इनके प्रश्नों का समाधान पारिवारिक बुजुर्गों के द्वारा मिल सकता है। महिला वर्ग के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, धन लाभ होगा। नजदीकी रिश्तेदारों से जुड़े हुए शुभ समाचार मिलेंगे। अविवाहित महिलाओं की जीवन साथी की तलाश आज पूरी हो सकती है। नौकरी व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं को आज कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बुजुर्गों के लिए भी दिन लगभग सभी मुद्दे पर दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। दिन के अंतिम दौर में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ छोटी परेशानी बुजुर्गों को हो सकती है। इस वजह से कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं या निलंबित रह सकते हैं। बुजुर्गों की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आज रुचि बढ़ सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहे।